तो पटना जिले का जो रोस्टर आने वाली थी वो फाइनली ला दिया गया है बिहार प्रारंभिक शिक्षा भर्ती के लिए। दोस्तों तो इसी रिगार्डिंग सारी बातें बताने आया हूँ। कक्षा 1 से 6 में कैटेगरी वाइज कितना कितना पद लाया गया है सभी पटना के सभी प्रखंड सभी पंचायत में सभी, और कक्षा 6 से 8 के लिए तो सभी पंचायत में सभी प्रखंड में कितना कितना कैटेगरी वाइज भर्तियां लाई गया है। आईसीटी दोस्तों मैं आपको पूरा डिटेल से बताने आया हूँ। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो रिक्तियां लाई गया है पटना जिला के लिए इसमें बहुत ही ज़्यादा रिक्तियां हैं। तो आप सभी लोग के लिए जो लोग फॉर्म पटना से फिल करना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात दोस्तों। तो जाकर फॉर्म को आप और आसानी से आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप में से बहुत लोग जो मुझे बार बार कॉमेंट कर रहे थे कि पटना की रिक्तियां अभी पटना का रोस्टर जारी नहीं किया गया, हमें कैसे फॉर्म फिल करें। दोस्तों फाइनली आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो आप ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों तो टाइम मिलते हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे प्लस तो अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ इस तरह की वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ, तो प्लीज तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों ये रहा जो आपका पेपर में पब्लिश कर बताया गया है कि जहाँ पे 6ठे नियोजन के लिए रोस्टर व रिक्तियां जारी। दोस्तों देखते हैं पटना में 6ठे नियोजन के लिए आपको जो है रोस्टर वो रिक्तियां जारी कर दिया गया। जहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों मौका में 6ठे नियोजन में टोटल 2272 रिक्तियां शामिल है। नियोजन इकाई में आवेदन जमा करना है और नियोजन इकाई में कहाँ जमा करना है आपका, तो नियोजन इकाई में आपका फॉर्म जमा करना है। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की फोटो कॉपी भी देनी होगी, और जितना भी आप शैक्षणिक प्रमाण पत्र दीजिएगा सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र का फोटो कॉपी भी आपको देना होगा। और तो साथ में तो आते हैं नेक्स्ट जान सकते हैं विषय पर रिक्तियां विषयवार रिक्तियां। तो देखते ये रहा टोटल विषयवार रिक्तियां बताया गया डिटेल से। कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए देखते हैं समान विषय के लिए देखते हैं 1135 पद है, और उर्दू के लिए टोटल 687 पद है। कक्षा 6 से 8 के लिए देखते हैं विषय कुल रिक्तियां देखते हैं सामाजिक विज्ञान में टोटल 16, गणित एवं विज्ञान में 119, और इसको देखते हैं नेक्स्ट यहां पर हिंदी के लिए देख सकते हैं आपका 6 से 8 के लिए 140 है, संस्कृत में 84 है, अंग्रेजी में 48 है एंड उर्दू में 53 है। दोस्तों देखते हैं कि 6 से 8 के लिए भी अच्छा खासा पद लाया गया है, और 1 से 5 के लिए तो वो तो उसमें पद लाया गया है टोटल लगभग आई थिंक 1822 पद लाया गया। आप दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 3 वर्षों का अंक पत्र भी देना अनिवार्य है, और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर से बता दिया गया है कि 3 वर्षों का अंक पत्र भी देना अनिवार्य है। तो दोस्तों आप में से जो लोग पटना से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप सभी लोग अपना जो ग्रेजुएशन का है तो 3 वर्षों का सर्टिफिकेट वो जरूर से जरूर अपना डॉक्यूमेंट्स में दीजिएगा। अगर आप नहीं देते हैं तो हो सके दोस्तों तो फॉर्म को आपको रिजेक्ट लिख जाएगा। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर साफ लिख दिया गया है कि देना अनिवार्य है। दोस्तों ये प्लीज़ आप मिस मत कीजिएगा, ओके, नहीं तो आपको फॉर्म फिल करना बेकार हो जाएगा क्योंकि फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपने चैनल पे बिहार में आने वाले हर गवर्नमेंट फॉर्म से रिलेटेड अप टू डेट न्यूज़ देते रहता हूँ, वीडियो बनाते रहता हूँ, जैसे कि बिहार शिक्षा भर्ती से रिलेटेड, बिहार SSC एग्जाम से रिलेटेड, बिहार पुलिस से भर्ती से रिलेटेड जो भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन आप रखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से बन रहेगा, और ये सारा वीडियो आप मेरे चैनल के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों बिहार का जो पटना जिले का रिक्तियाँ स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से रिक्तियाँ पे मैं ऑलरेडी एक सुबह एक वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ वो वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको बताया हूँ, तब जाकर वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा मेरे चैनल के थ्रू, या तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, डायरेक्ट उस लिंक को क्लिक कर ये सारा वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आते हैं वापस अपने वीडियो, जहाँ दोस्तों देख सकते हैं ये रहा, जहाँ आप देखते हैं पटना जिले के प्रारंभिक विद्यालय में 6ठे नियोजन के लिए रोस्टर जारी कर दिया गया है। रोस्टर के साथ सभी नियोजन इकाई की रिक्तियाँ भी जारी की गई है, इससे जो भी विद्यार्थी आवेदन करना चाहते हैं वह मदद मिल सकेगी। पटना जिला शिक्षा कार्यालय की माने तो अभ्यर्थी संबंधित नियोजन इकाई में जाकर आवेदन करेंगे, और देखते हैं इसका यहाँ पर साथ बता दिया गया कि आपको एक जो है फॉर्म है कहाँ से भरना है। तो आपको सिंपल से बताया जा रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि पटना जिला शिक्षा कार्यालय की माने तो अभ्यर्थी संबंधित नियोजन इकाई में जाकर आवेदन करेंगे। नियोजन संबंधित इकाई में जाकर अपना वो आवेदन कर सकते हैं। 6ठे नियोजन के लिए टोटल 2272 रिक्तियां शामिल है, इसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए दोस्तों देखते हैं आप यहाँ पर 1822 और 6ठी से 8वीं के लिए दोस्तों देखते हैं 450 रिक्तियाँ लाई गई है। पटना जिला शिक्षा कार्यालय के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी केशव कुमार ने बताया कि रोस्टर और रिक्तियाँ को सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करवा दिया गया है। उसको देखते हैं सभी प्रखंड में उपलब्ध करा दिया गया है, और तो मैं सभी प्रखंड जितने पंचायत है सभी जितने प्रखंड है उस सभी का मैं डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ दनियामा में कितना है, बख्तियारपुर में कितना है, खुशरूपुर में कितना है, फिर आपको जो भी है तो पटना का जो भी प्रखंड है सभी प्रखंड में बता चुका, डिटेल्स जाकर देख लीजिएगा वीडियो, आई थिंक तो 10 मिनट से ज़्यादा लंबी है, वहाँ पर थोड़ा डिटेल्स बताएंगे जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और इसी बीच आप वीडियो को लाइक कर दीजिए,
हाँ आपने लाइक कर दिया, ओके ठीक है। अब आते हैं तो नेक्स्ट, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सभी प्रखंड एवं पंचायत के नियोजन इकाई को रोस्टर और रिक्तियाँ भेजेंगे, अभ्यर्थी अपना वेतन संबंधित नियोजन इकाई में ही जमा करेंगे। नियोजन इकाई से आवेदन फॉर्म का मिलेगा नमूना, जो फाइनली अब जो आपका नमूना है आवेदन फॉर्म का वो नियोजन इकाई से आएंगे। तो जितना भी नियोजन इकाई लाएगी सभी नियोजन इकाई में किसी किसी वेबसाइट में किसी किसी नियोजन इकाई में फॉर्म दे दिया गया, तो आप वहाँ से डायरेक्ट फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभ्यर्थी शिक्षा विभाग की वेबसाइट से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अगर विद्यार्थी आवेदन विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो वे संबंधित नियोजन इकाई से भी आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थी को आवेदन पत्र का सिर्फ नमूना मिलेगा, जिसको देखते हैं। लेकिन वहाँ पर जो नियोजन इकाई से जो आपको मिलेगा वो सिर्फ उसका नमूना मिलेगा, इसे लेकर फोटो कॉपी करवा कर ही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। इसे आप फोटो कॉपी आपको करवा लेना है, देन आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आवेदन के साथ सभी शैक्षणिक पत्रों की फोटो कॉपी भी देनी होगी। छठी से आठवीं तक के लिए स्नातक के तीनों वर्ष का अंक पत्र भी देना आवश्यक है, और छठी से आठवीं के लिए जो सिक्स टू एट के लिए जो लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो तीनों वर्ष का जो आपका प्रमाण पत्र है ग्रेजुएशन का वो देना जरूरी है। तो इतिहास की वीडियो जहाँ पे आई थिंक सारी बातों में क्लियर कर चुका हूँ। अगर अभी भी किसी भी डाउट आ रही है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी कमेंट का पसंद आंसर दूंगा। बाकी दोस्तों आप में से जो लोग का जिले का स्ट्रोक जारी भी नहीं हुआ है तो वो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर लेकर वीडियो लेकर जरूर आऊँगा दोस्तों। तो आप जल्दी से कमेंट कर बताइए कि जिले का रोस्टर का डिटेल्स मैं लेकर आऊँ। तो ओके, तो वीडियो को प्लीज दोस्तों लाइक कर दो और शेयर कर देता अपने दोस्तों व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप में ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ फिर अधिकरण फॉर्म के बारे में बताने आऊँगा, इसी तरह का अपडेट देने आऊँगा। तो अपना ख्याल रखना।